बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मैं हूँ अरशद अहमद। आप सभी का वेलकम करता हूँ HED चैनल में। फ्रेंड्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक के सब्जेक्ट में आज हम सोल्व करने वाले हैं कुछ न्यूमेरिकल्स। तो आइए देखते हैं। तो इसमें कह रहा है कि कन्वर्ट द डेसिमल नंबर्स इनटू बाइनरी नंबर्स। हमें डेसिमल नंबर दिए गए हैं, हमें इनको बाइनरी नंबर्स में कन्वर्ट करना है। तो जनरल कॉन्सेप्ट में आपको एक बता देता हूँ कि जब भी आपको डेसिमल नंबर गिवन हो और किसी भी नंबर में कन्वर्ट करने हो, तो आपको उसके बेस के साथ डिवाइड करना होगा। मतलब यहाँ पर बाइनरी है, नंबर में कन्वर्ट करना है, तो बाइनरी का बेस क्या होता है? 2 होता है, ठीक है। तो हम उस जो है डेसिमल नंबर को डिवाइड करेंगे बाय 2 के साथ रिपीटेड मेथड के में, ठीक है। तो आइए देखते हैं सॉल्व करने। 49 को हम डिवाइडेड बाय 2 रिपीटेड मेथड में करते आएंगे। तो 2 टाइम 2 इज़ 4, 2 टाइम 4 इज़ 8। तो यहाँ पर हमें रिमाइंडर 1 बचा। फिर से 2 से डिवाइड करेंगे इसको, 2 टाइम 2 इज़ 4, 2 टाइम 2 इज़ 4, रिमाइंडर हमें 0 बचा। अगेन हम इनको करते हैं, 2 टाइम 1 इज़ 2, 2 टाइम 1 इज़ 2, रिमाइंडर 0। 2 टाइम 5 इज़ 10, रिमाइंडर 1। एंड 2 टाइम 2 इज़ 4, रिमाइंडर 1। 2 टाइम 1 इज़ 2, रिमाइंडर 0। 2 टाइम 0 इज़ 0 एंड रिमाइंडर 1, ठीक है। हमें कब तक करना है? जब तक हमारा क्वेश्चन जो है 0 ना आ जाए, तब तक हम इसको डिवाइड करते जाएंगे। 0 का मतलब होता है कि सिग्नल हमारा स्टॉप हो गया, सिग्नल स्टॉप, ठीक है। अच्छा, अभी हमने ये डिवाइड तो कर लिया है, लेकिन नंबर हम कहाँ से उठाना शुरू करेंगे? ये शुरू करेंगे अपवर्ड साइड पर, ठीक है, डाउन से लेके अपवर्ड पे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा? बाइनरी मिलेगा 1011001, ठीक है। तो हमारे पास जवाब आया 1011001, और इसका बेस क्या होता है बाइनरी का? ये 2, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया जो हमें रिक्वायर्ड था। अच्छा, बेस हम बोलते हैं हर नंबर सिस्टम में, जो जितने नंबर ऑफ यूज़ होते हैं तो वो उनका बेस होता है। फॉर एग्जांपल डेसिमल में टोटल नंबर कितने यूज़ होते हैं? 10 होते हैं, तभी उसका बेस यहाँ पर 10 लिखा हुआ है। तो बाइनरी में कितने टोटल नंबर यूज़ होते हैं? 2, 0 एंड 1, तो उस वजह से उसका बेस है 2। तो ये जनरल कॉन्सेप्ट था। आइए 45 को भी सिंपलीफाई करते हैं सिमिलर वे से। तो 45 को क्या करना है हमें? डिवाइड बाय 2 करना है। तो 2 टाइम 2 इज़ 4, 2 टाइम 2 इज़ 4, रिमाइंडर हमारे पास 1। 2 टाइम 1 इज़ 2, 2 टाइम 1, रिमाइंडर 0। 2 टाइम 5 इज़ 10, रिमाइंडर हमारे पास 1। एंड 2 टाइम 2 इज़ 4, रिमाइंडर 1। 2 टाइम 1 इज़ 2, रिमाइंडर 0। एंड 2 टाइम 0 इज़ 0, रिमाइंडर 1, ठीक है। तो सिमिलर वे से अपवर्ड जाएंगे हम, तो बाइनरी हमारे पास मिलेगा 1011001, और बेस इसका 2, ठीक है। तो हमने ये कन्वर्ट कर दिए डेसिमल इनटू बाइनरी। एक और क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर सिर्फ हमारे पास क्या है? इंटीजर पार्ट है। अगर हमारे पास डेसिमल आ जाए तो हम उसको किस तरह सोल्व करेंगे, अभी वो देखेंगे। तो यहाँ पर देखें, आपको इंटीजर पार्ट भी मिला हुआ है और फ्रैक्शनल पार्ट भी मिला हुआ है। फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है। तो ये फ्रैक्शनल पार्ट भी मिला हुआ है आपके पास। इसमें आप किस तरह से सोल्व करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंटीजर को सोल्व करेंगे सिमिलर वे से जिस तरह हम सोल्व करते हैं। तो 1 65 उठाएं आप और 2 से डिवाइड करें। हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी में, ठीक है। तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 टाइम 8 इज़ 16, 2 टाइम 2 इज़ 4, रिमाइंडर 1। 2 टाइम 4 इज़ 8, 2 टाइम 1 इज़ 2, रिमाइंडर 0। 2 टाइम 2 इज़ 4, ठीक है, और ये 0, रिमाइंडर 1।
2 टाइम 1 इज 2, ये 0, रिमाइंडर 0, 2 टाइम 5 इज 10, रिमाइंडर 0, 2 टाइम 2 इज 4, रिमाइंडर 1, 2 टाइम 1 इज 2, रिमाइंडर 0, एंड 2 टाइम 0 इज 0, रिमाइंडर 1, ठीक है। ये अब हम किस तरह से लेंगे फ्रैक्शन, जैसे इंटीजर हमें हम लेते हैं अपर डायरेक्शन में, तो इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पहले 1 0 1 0 0 1 0 1, ठीक है। यहाँ तक जो सिमिलर वेज थे हम करते आए हैं इंटीजर के लिए, तो ये इंटीजर के लिए हमने किया। अभी जब हम फ्रैक्शनल लेंगे तो उसमें क्या करेंगे, हम डिवाइड नहीं करेंगे उसको, उसको मल्टीप्लाई करेंगे बेस के साथ। बेस किसका, जो जिसमें हमें कन्वर्ट करना है, तो बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो उसका बेस क्या होता है, 2। तो अभी हम क्या करेंगे, 0.6 को डिवाइड नहीं करेंगे बल्कि मल्टीप्लाई करते जाएंगे 2 से, और जो जवाब आ जाएगा उसका फर्स्ट वाला हम कंसीडर करते जाएंगे और फिर मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तब तक मल्टीप्लाई करते जाएंगे जब तक रिपीटेशन ना हो, ठीक है। तो हमने ये 0.6 को मल्टीप्लाई किया बाय 2, तो हमारे पास जवाब आएगा 1.2, ठीक है। तो ये 1.2 में से आप ये 1 को एक्सट्रैक्ट कर दें बाहर, तो रिमेनिंग बचेगा 0.2, फिर इससे मल्टीप्लाई करें 2 को, तो आपके पास जवाब आएगा 0.4। फिर इस 0 को आप एक्सट्रैक्ट कर दें, एलिमिनेट कर दें, तो रिमेनिंग बचेगा आपके पास 0.4 मल्टीप्लाई बाय 2, तो फिर आ जाएगा आपके पास 0.8। फिर ये 0 को बाहर कर दें तो रिमेनिंग 0.8 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये आ जाएगा 1.6, ठीक है। तो सिमिलरली 0.6 आ जाएगा, फिर ये 2 मल्टीप्लाई होगा तो ये 1.2 आ जाएगा, फिर 0.2 आएगा मल्टीप्लाई बाय 2 होगा तो 0.4 होगा, फिर 0.4 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ तो ये 0.8 होगा, फिर 0.8 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ तो ये आ जाएगा 1.6, ठीक है। तो आप ये देख रहे हैं इनमें रिपीटेशन हो रही है, ये 4 देखें और ये 4 देखें, तो इनमें क्या हो रही है, अभी रिपीटेशन हो गई 1001 1001। तो आगे जैसे आप बढ़ेंगे तो रिपीटेशन ये होती रहेगी, ठीक है। तो हम इसमें से एक जो है कोई भी जो है ग्रुप ले लेते हैं, और इसको हम कंसीडर किस तरह से करते हैं, फ्रैक्शनल में हम डाउनवर्ड से अपवर्ड जा रहे थे, लेकिन इसमें हम उल्टा करेंगे, अपवर्ड से डाउनवर्ड आएंगे, लेकिन यहाँ पर हम एक डेसिमल एक पॉइंट लगाएंगे जिस तरह से थी, और अपवर्ड से डाउनवर्ड आएंगे, मतलब 1001 दिखेंगे, 1001। तो ये आपका बेस 2 में कन्वर्ट हो गया, कोई भी फ्रैक्शनल के साथ अगर इंटीजर भी हो तो उसको किस तरह से कन्वर्ट करें आपको क्लियर हो गया। फिर भी ये मैं रिपीट कर देता हूँ कि आप इंटीजर को सिमिलर वे से डिवाइड करते जाएंगे और डाउनवर्ड से अपवर्ड वैल्यूज़ लेंगे, उसके बाद आप जो है पॉइंट देंगे डेसिमल पॉइंट, और जो फ्रैक्शनल पार्ट था उसको आपने बेस के साथ मल्टीप्लाई करना है, तब तक मल्टीप्लाई करना है जब तक रिपीटेशन ना आए, ठीक है। रिपीटेशन आने के बाद आपने अपवर्ड से डाउनवर्ड वो एक लूप लेना है और उसको पॉइंट डेसिमल के बाद लिख देना है, तो ये कन्वर्जन हो जाएगी आपकी डेसिमल इनटू बाइनरी, ठीक है। अभी हम देखेंगे कन्वर्जन बाइनरी नंबर इनटू डेसिमल, ठीक है। पहले हम पढ़ के आए हैं कि किस तरह से हम जो है डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करें, अभी हम देखेंगे बाइनरी को किस तरह डेसिमल में कन्वर्ट करें। यहाँ पर एक और जनरल पॉइंट में मैं आपको बता देता हूँ, कोई भी नंबर सिस्टम को अगर आपने डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो आपने क्या करना है, उस बेस को हर एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है और बीच में प्लस प्लस देना है और ऊपर उसके पावर देना है, ठीक है। कोई भी नंबर हो, यहाँ पर तो हमारे पास बाइनरी ही नंबर है तो हम उसको कन्वर्ट कर रहे हैं डेसिमल में, देखें किस तरह से कन्वर्ट कर रहे हैं। तो आप मैंने क्या बोला, हर नंबर के साथ आपने उस बेस को मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर बेस 2 है तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2,
ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, प्लस वन मल्टीप्लाई बाय टू, प्लस फिर क्या आ रहा है, यहाँ से हम आ रहे हैं, ठीक है, ज़ीरो मल्टीप्लाई बाय टू, प्लस वन मल्टीप्लाई बाय टू, प्लस वन मल्टीप्लाई बाय टू, प्लस ज़ीरो मल्टीप्लाई बाय टू, प्लस वन मल्टीप्लाई बाय टू, ठीक है। मैंने क्या बोला, उसके बेस के साथ हर एक नंबर को मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस बीच में देना है। अभी उसके बाद क्या करना है, इस टू के ऊपर पावर शुरू करने हैं, ज़ीरो से लेकर अप टू, जब तक यहाँ तक ये चले, ज़ीरो वन, ये टू, टू टू पावर थ्री, टू टू पावर फोर, टू टू पावर फाइव, टू टू पावर सिक्स, ठीक है। अभी हमें इनको सिंप्लीफाई करना है, फिर ऐड कर देना है, तो आपको ये कन्वर्जन मिल जाएगी बाइनरी इंटू डेसीमल। तो आइए सोल्व करते हैं, वन टू टू पावर सिक्स क्या होगी, हमारे पास 64 मिलेगा, ठीक है। वन इंटू टू टू पावर फाइव तो हमें मिलेगा 32, ये ज़ीरो है तो ज़ीरो ही आ जाएगा, ठीक है। वन इंटू टू टू पावर ये 8 आ जाएगा, ये टू टू पावर टू 4 होगा, ये ज़ीरो हो जाएगा। वन इंटू टू टू पावर ज़ीरो, टू टू पावर ज़ीरो होता है 1 के बराबर, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। अभी हम इनको सिंपली ऐड कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 109, ठीक है। तो ये कन्वर्ट हो गया किसमें, डेसिमल में, और इसका हम बेस दे देंगे डेसिमल वाला 10, ठीक है। ये आ गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर, कन्वर्जन बाइनरी इनटू डेसिमल, ठीक है। एक और प्रॉब्लम सोल्व करते हैं सिमिलर वे से, ठीक है। क्या करेंगे हम, इस डायरेक्शन में आते जाएंगे, वन मल्टीप्लाई बाय टू, प्लस ज़ीरो मल्टीप्लाई बाय टू, प्लस ज़ीरो मल्टीप्लाई बाय टू, प्लस वन मल्टीप्लाई बाय टू, प्लस ज़ीरो मल्टीप्लाई बाय टू, प्लस वन मल्टीप्लाई बाय टू, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन हो गई, अभी आपने देने हैं पावर, यहाँ से ज़ीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, ठीक है, पावर आ गए। अभी आपने सिंपलीफाई करना है, टू टू पावर फाइव कितने होता है 32, ये ज़ीरो से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये ज़ीरो हो जाएगा, प्लस ये ज़ीरो से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये ज़ीरो हो जाएगा, ये टू 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 पावर टू तो ये क्या होता है 4, ये ज़ीरो से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ज़ीरो, और ये टू टू पावर ज़ीरो तो मतलब ये 1 आ जाएगा। तो हम इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 37, ठीक है। तो ये डेसिमल में कन्वर्ट हो गया, तो इस वजह से इसका बेस 10 हो गया, ठीक है। तो आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, कन्वर्जन बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।